जय हिंद। नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। मैं हूं प्रिंस, नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की न्यू वैकेंसी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनके बहुत सारे डाउट बने हुए हैं कि भैया हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या, कितने टोटल फॉर्म आए, जो कंपटीशन है वो कितना हार्ड रहेगा, कैसे तैयारी करें, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मिलने वाली है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया ना, तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी ले रहा हूं दोस्तों। और आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना लाइसेंस को लेकर, उसको भी बताने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी के बारे में बात करें तो 2022 में इसी वैकेंसी आई है और इसकी लास्ट डेट भी हो चुकी है फॉर्म फिलअप करने की। अब इसका जो एग्जाम है वो कराया जाएगा दोस्तों 21 अक्टूबर को, ये आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि दोस्तों इसमें कंपटीशन जो है हार्ड रहेगा या लो रहेगा और फॉर्म क्यों रिजेक्ट होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट के। तो सबसे बड़ा है दोस्तों रीजन है आपका लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, जो आपका लाइसेंस है वो सबसे बड़ा रीजन इसमें है। क्यों? क्योंकि लाइसेंस इसमें मांगा गया हैवी लाइसेंस, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उनके पास था लर्निंग लाइसेंस, ठीक है, उन्होंने नया बनवाया था, उन्होंने हैवी नहीं करवाया था। तो इसमें दोस्तों हैवी मांगा गया है, हैवी मोटर व्हीकल मांगा गया है भाई इसमें, लर्निंग जो मोटर व्हीकल है वो नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो और हैवी जो मोटर व्हीकल है वो कब तक का मांगा गया है? वो मांगा गया फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले का। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं मन मन में कि भैया जब एक बार क्या करें, एक बार वैकेंसी में पेपर दिया है और बाद में बनवा लेंगे, जब हमारा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब बनवा लेंगे। लेकिन नहीं, डेट उस पर कब की होगी? जब बाद में बनवाओगे, फॉर्म फिलअप करने की बाद की डेट होगी, तो वो आपका रिजेक्ट माना जाएगा। इसलिए दोस्तों कंपटीशन काफी कम रहेगा और बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे, काफी लोगों ने ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया मजे मजे में ही, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं भाई इसमें फॉर्म कितने आए टोटल। वो आए 197,503 फॉर्म आए, जिसमें से जर्नल के कितने हैं 42,179 फॉर्म आए, लेकिन ओबीसी के इससे ज्यादा आ चुके हैं 84,110 फॉर्म भाई ओबीसी के हैं। ईडब्ल्यूएस के दोस्तों कितने हैं 11,115 हैं, एससी के हैं दोस्तों 39,672 और एसटी के हैं दोस्तों 20,427 फॉर्म आ चुके हैं भाई यहां पर एसटी के लिए। अब आप बोलेंगे ओवरऑल कितने आए, तो ओवरऑल टोटल ये 197,503 है। तो देखिए इसमें से दोस्तों 1.5 लाख से भी कम फॉर्म बचेंगे भाई, 1.5 लाख से भी कम फॉर्म फिल्म आपके रहने वाले हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे फॉर्म इसमें रिजेक्ट होंगे यार, रिजल्ट बता रहा हूं मैं, हो सकता है 1.25 लाख के आज समथिंग ही पहुंच जाए बात, क्योंकि कुछ फॉर्म ऐसे होंगे जिन्होंने गलती से फिलअप कर दिया है, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने लाइसेंस के चलते दोस्तों फॉर्म को गलत कर दिया है, तो काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं भाई। अब जानते हैं दोस्तों टोटल वैकेंसी कितनी थी, कंपटीशन के बारे में जानते हैं, कंपटीशन कितना आसान है कितना लो है, सबसे पहले वो जानते हैं। देखिए दोस्तों 1411 वैकेंसी हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है भाई, ठीक है। एग्जाम डेट आपकी जो है 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर दोस्तों आपकी एग्जाम डेट है। बहुत सारे लड़के बोले थे तैयारी कैसे करें, तैयारी कोई फंडा बढ़ा दीजिए। देखिए दोस्तों मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, इसलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी ले सकते हैं भाई। इसका पीडीएफ के लिए नंबर दोस्तों ये आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर है, ठीक है, 6396453592 ये नंबर है पीडीएफ का। पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सअप पर, आपको इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जैसे ही आप हमें दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा भाई, ड्राइवर का टोटल जितना भी सिलेबस है सभी का मिलेगा, ठीक है। और पीडीएफ का प्राइस दोस्तों केवल 100 रुपये, जी हाँ दोस्तों केवल 100 रुपये रखा गया है भाई, जिसको चाहिए वो ले सकता है। खुद मैं सेलेक्टेड हूँ दोस्तों, और मैंने एग्जाम निकाले काफ़ी, लेकिन ये एग्जाम नहीं निकाला है, मैं आपको रियल बताऊँ मैंने ड्राइवर का एग्जाम नहीं निकाला है, काफ़ी एग्जाम निकाले हैं भाई वैसे तो। लेकिन अगर आपको इस पीडीएफ से पढ़ना है तो आपको दोस्तों रीजनिंग मैथ जीएस आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप आराम से कर जाओगे, लेकिन ये ड्राइवर जो पार्ट होता है ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा भाई, ये खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्रैफिक रूल और टेक्निकल रूल अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, जिसको भी पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर अभी मुझे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप पे कॉल मत कीजिएगा, केवल मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, पीडीएफ आपको 100 रुपये में उपलब्ध हो जाता है हमारे यहाँ से, ठीक है। अब जानते हैं दोस्तों इसका जो एग्जाम है वो है 21 अक्टूबर को, 1411 वैकेंसी है, जिसमें आपका सिलेबस दोस्तों आप देख सकते हैं सिलेबस क्या है, 10 नंबर का आपका मैथ आएगा, ठीक है, और जो मैथ से घबराते हैं उनके लिए तो काफ़ी इजी हो जाएगा भाई 10 नंबर का जब मैथ है तो, 20 नंबर की रीजनिंग है और 20 नंबर की जीएस है, ठीक है, और 50 नंबर का ड्राइवर पार्ट है, जिसमें से टेक्निकल का दोस्तों अलग है और ट्रैफिक रूल अलग है। ट्रैफिक रूल कैसे, आपको कोई सिग्नल दिया जाएगा जब आप लाइसेंस का पेपर देने गए होंगे ना, तो कम से कम दोस्तों वहां से 10-15 क्वेश्चन तो आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे,
क्योंकि ट्रैफिक रूल के क्वेश्चन है भाई वहाँ पे। जब आपने ड्राइवर का टेस्ट लिया होगा ना, जो उसमें आपके उसमें आपने देखा होगा जो ट्रैफिक के बहुत सारे रूल आते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जैसे इधर दाएं मुड़ने का अलग है, बाएं मुड़ने का अलग है, सीधे जाने का अलग है, सकरा पुल अलग है, बहुत सारे रेड जो लाइट वगैरह हैं, जो तो आप ग्रीन लाइट है और येलो लाइट है, इन सब के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो कम से कम यहाँ से आप जो है 10 से 15 क्वेश्चन इजीली सही कर दोगे, इजीली, बहुत इजीली। लेकिन जो टेक्निकल पार्ट है थोड़ा उसको पढ़ना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ट्रैफिक रूल तो आराम से हो जाता है, ठीक है। 20 टाइम टोटल कैंडिडेट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 20 गुना अभ्यर्थी दिए जाएंगे दोस्तों टोटल फॉर्म के, सॉरी टोटल वैकेंसी के। टोटल वैकेंसी है 1411, अगर इसका 20 गुना करें तो 2800 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 28220 कैंडिडेट पास किए जाएंगे। अगर आप देखें 28,220 पर आकर निकालें तो एक सीट में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 7 स्टूडेंट आ रहे हैं। मैंने 1,70,503 का जब इसमें डिवाइड किया है तो 7 स्टूडेंट मेरे पास आए हैं, किससे, जब दोस्तों मैंने टोटल वैकेंसी का निकाला है, टोटल वैकेंसी का 20 गुना निकाला है, 28,220 का फॉर्म इसमें मैंने जब डिवाइड किया है तो 7 सीट पर एक स्टूडेंट आ रहा है, एक सीट पर 7 स्टूडेंट आपको फाइट करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात कर लें, 1411 वैकेंसी में बात कर लें तो 140 स्टूडेंट आ रहे हैं मेरे दोस्त, 140 स्टूडेंट को आपको बाहर करना पड़ेगा तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर गलत है, क्यों, क्योंकि भाई जब 1,57,503 फॉर्म आए हैं तो रिजेक्ट कितने होंगे इसमें से, रिजेक्ट भी तो काफ़ी होंगे, तो आपको दोस्तों यहां से अंदाजा इसी से लगाना है। वैसे ये तो मैंने बता दिया आपको कि 28,220 फॉर्म आपके 28,220 जो स्टूडेंट है, जो पूरे कैंडिडेट होंगे वो लिए जाएंगे इसमें से, आपकी जो फाइनल कट ऑफ लगेगी उसमें से बाहर कर दिए जाएंगे बाद में, लेकिन पहली कट ऑफ में 28,220 स्टूडेंट लिए जाएंगे फिजिकल के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर एक ये समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना लो है, एक सीट पर 7 जने आ रहे हैं, बताइए बस एक सीट पर 7 जने, और इसमें से फॉर्म रिजेक्ट हो गए तो कम से कम 4 या 5 जने, 4 या 5 स्टूडेंट ही देखेंगे फिर तो आपको एक सीट पर, तो इसलिए बोल रहा हूँ कंपटीशन काफ़ी लो है। लेकिन आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के लिए मैंने ये बता दिया है, क्लासे वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिन के बाद ही, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। कट ऑफ क्या रहेगा दोस्तों, कट ऑफ के बारे में बहुत सारे लोग जानने चाहते हैं, तो देखिए कट ऑफ तो एक साथ तो नहीं बताया जाता है, कट ऑफ को लेकर काफ़ी सारे पहले एनालिसिस होते हैं, पहले ये देखा जाता है कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, कितने लोगों ने छोड़ा है, और सब कुछ दोस्तों पहले देखा जाता है। तो कट ऑफ दोस्तों देखिए, मैं आपको एक ओवरऑल तो नहीं बताऊंगा, बिल्कुल फिक्स तो नहीं बता सकता, लेकिन एक एवरेज बता दूंगा कि किसके बीच में रह सकती है। तो आपको दोस्तों जो अपने नंबर लाने हैं वो दोस्तों यहाँ पर 65 से लेकर 70 के बीच में आपको नंबर लाने पड़ेंगे भाई, 65 से 70 के बीच में, जिस प्रकार से दोस्तों ये आपका कंपटीशन है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 65 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ हैं, इससे ऊपर लाने की कोशिश कीजिएगा, ये मिनिमम नंबर बता रहा हूँ मैं, 65 और 70 के बीच मिनिमम, इससे मैक्सिमम आपको जाना है भाई, इससे नीचे जाओगे तो भाई फिर तो आपको फाइट में, फिर आप फाइट में हो जाओगे, मतलब आपका चांस 50-50 हो जाएंगे फिर। तो इसलिए दोस्तों बोल रहा हूँ 65 से 70 के बीच में मिनिमम नंबर आपको लाने हैं, मैक्सिमम कितने भी ला सकते हो, 70, 80, 85 तक कितने भी ला सकते हो, लेकिन नंबर आपको मिनिमम जो पास होने का एक टारगेट होता है कि मुझे बस सिर्फ पास होना है, तो आप 65 से 70 के बीच में नंबर ले आइए, आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन को देखते हो भाई। तो फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो आपको मैंने बताया यहाँ पर कैसे कैसे कंपटीशन रहने वाला है, और क्या आपको डाउट था, जो आपके डाउट थे सारे मैंने ले लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये ड्राइवर वैकेंसी रिगार्डिंग सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, वैकेंसी इसकी एग्जाम डेट 21 अक्टूबर है, तो 21 अक्टूबर को टारगेट रखकर अपने दिमाग में रखिए और आराम से दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत है नहीं। थैंक यू ऑल फॉर